नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम RPSC फर्स्ट ग्रेड की हिस्ट्री जो पहला पेपर है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, हम पहले से ही कुछ टॉपिक अपलोड कर चुके हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पहले जो हमने टॉपिक अपलोड कर दिए हैं उनके बारे में आप ज़रूर अध्ययन करें, और आने वाले जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। और आज का जो टॉपिक है वह है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। अगर हम बात करें आज का टॉपिक कौन सा है, तो आज का टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। देखिए, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता RPSC फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में चार सभ्यताएं हैं जिनको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। पहली है कालीबंगा, दूसरी है आहड़, और तीसरी है बैराड़ सभ्यता, और चौथी है आपकी गणेश्वर सभ्यता। तो सबसे पहले हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में बात करेंगे। देखिए, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है और यह घग्गर नदी के किनारे है, जिसका प्राचीन नाम सरस्वती नदी है और इसे दृष्टवती नदी भी कहा जाता था। ज़रा ध्यान दीजिए, कालीबंगा सभ्यता कौन से ज़िले में है, हनुमानगढ़ ज़िले में। देखो, इस डायग्राम को यदि आप नज़र डालेंगे तो कोने पर हनुमानगढ़ ज़िला है, यहाँ पर कोने पर हनुमानगढ़ ज़िला है, वहाँ पर कालीबंगा सभ्यता स्थित है। और यहाँ पर एक नदी बहती है जो प्राय मृत नदी माना जाता है उसको, घग्गर नदी, जिसका प्राचीन नाम था सरस्वती नदी या दृष्टवती नदी इसका नाम था। तो इसके किनारे पर जो सभ्यता विकसित हुई वह विकसित हुई कालीबंगा सभ्यता। देखिए, कालीबंगा सभ्यता के बारे में कहा गया है कि यह 6000 साल से भी अधिक प्राचीन है। कालीबंगा सभ्यता कितनी है, 6000 साल से भी अधिक प्राचीन है। और इसका नाम कालीबंगा क्यों पड़ा, खुदाई के दौरान काली चूड़ियां मिलने के कारण इसका नाम कालीबंगा पड़ा, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी या चूड़ियां। देखिए, आप अगर गौर करेंगे तो हनुमानगढ़ जो ज़िला है राजस्थान का, वह पंजाब के निकट है। तो पंजाब के निकट है तो जाहिर सी बात है कि पंजाब की संस्कृति का भी उस ज़िले पर असर पड़ेगा। तो यही कारण है कि इस का नाम पड़ा कालीबंगा, क्योंकि यहाँ पर काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई खुदाई के दौरान। अगर हम बात करें कि सर्वप्रथम इस सभ्यता की खोज किसने की, तो इस सभ्यता की खोज सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने की थी। 1952 ईस्वी में इस सभ्यता की खोज की गई और उत्खननकार 1961-62 में BB लाल और थापर ने करवाया। इसको हम ऐसे याद रखें, कालीबंगा की खोज की घोषणा करेंगे तो घोषणा से आ जाएगा अमलानंद घोष, और अगर घोषणा नहीं करेंगे तो क्या पड़ेगा, फिर थप्पड़, और गाल हो जाएगा लाल। क्या हो जाएगा, लाल। तो थप्पड़ से बन जाएगा BK थापर और लाल से बन जाएगा BB लाल। तो खोज की घोषणा करेंगे, इससे हम याद रख पाएंगे कि इसका खोजकर्ता कौन है, अमलानंद घोष। और यदि उत्खनन की बात करेंगे तो खुदाई जब की जाएगी तो क्या पड़ेगा, थप्पड़। थप्पड़ से क्या बन जाएगा, BK थापर, और जो फिर क्या हो जाएगा, गाल लाल हो जाएगा। थप्पड़ पड़ेगा तो गाल लाल हो जाता है, तो दूसरे जो खोजकर्ता हो जाएंगे BB लाल। इस तरह से आप याद कर सकते हो। देखिए, इसमें कालीबंगा सभ्यता में अगर हम इस डायग्राम पर नज़र डालें तो दो टीले मिले हैं। कितने टीले मिले हैं, दो टीले मिले हैं। इन पर ज़रा गौर से ध्यान दीजिए। देखिए, पश्चिम में एक छोटा टीला मिला है जो कि ऊंचा है, और इस छोटे टीले को गढ़ी क्षेत्र कहा गया, और पूरम में निचला व बड़ा टीला है जिसे नगर क्षेत्र कहा गया। देखिए, गढ़ी क्षेत्र का मतलब यह है कि इस जगह पर जो लोग रहते थे वह निम्नतम स्थल वाले लोग थे, उसके पूरब में एक नगरीय सभ्यता का क्या किया गया, विकास किया गया था। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कालीबंगा की खुदाई में दो टीले मिले हैं। एक छोटा टीला है जो कैसा है, ऊंचा है, उसके नीचे गढ़ी क्षेत्र मिला है, और दूसरा जो निचला टीला है और प्राय बड़ा है उसे हम बोल रहे हैं नगर क्षेत्र। देखिए, उस उत्खनन जो है 5 स्तरों में किया गया है। कितने स्तरों में किया गया है, 5। तो देखिए, स्तरों को आप ज़रूर याद रखिए, क्योंकि हाल ही में जो RPSC लेक्चरर परीक्षा हुई थी उसमें स्तर भी पूछ लिए थे। पहला व दूसरा स्तर हड़प्पा सभ्यता से भी पुराना होने के कारण उस स्तर को प्राक हड़प्पा सभ्यता कहा गया,
और तीसरा, चौथा और पांचवा स्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है, तो उस स्तर को क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता कहा गया। क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता। देखिए, आप सबको पता है, हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कालीबंगा सभ्यता में, कालीबंगा सभ्यता हड़प्पा संस्कृति का ही एक भाग है, लेकिन उससे पहले भी वहाँ पर एक सभ्यता विकसित थी और उस सभ्यता को प्राक हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। अर्थात दुनिया की यदि सबसे पुरानी यदि कोई सभ्यता है तो वह प्राक हड़प्पा सभ्यता के रूप में कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता है। यहाँ से दो टीले प्राप्त हुए हैं, दोनों टीले सुरक्षात्मक दीवार से घिरे थे। छोटा टीला पश्चिम में मिला है और बड़ा टीला पूर्व में मिला है, और छोटा टीला प्राक हड़प्पा सभ्यता को बताता है और बड़ा टीला हड़प्पा सभ्यता को बताता है। देखिए, ये जो छोटा टीला है, छोटा टीला है, वहाँ से हमें दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त होते हैं। कहाँ से? छोटा टीला जो है, जो कालीबंगा सभ्यता का जो पहला स्तर था, पहला व दूसरा स्तर, वहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता से पूर्व में जो लोग रहते थे, उन्होंने जुते हुए खेत के प्रमाण वहाँ पर मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर पहले क्या होती थी? खेती होती थी। फिर वहाँ पर क्या मिले हैं? घिया पत्थर, तांबड़ा पत्थर के मनके, शंख की चूड़ी, खिलौना गाड़ी, पहिए, बैल की खंडित मूर्ति, तांबे का परशु। तांबे का क्या मिला है? परशु मिला है, और यह एक औजार होता है। परशु जो होता है एक औजार होता है। हड्डियों की सलाई, पत्थर के सिलबट्टे आदि प्राप्त हुए हैं। प्राक हड़प्पा सभ्यता के लोग भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का उपयोग करते थे। याद रखें आप, कैसी ईंटों का उपयोग करते थे? कच्ची ईंटों का। लेकिन नाली व स्नानागार और कुएं बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। अर्थात इससे हमें यह पता चलता है कि प्राक हड़प्पा सभ्यता के लोगों को ईंट पकाने का क्या था? ज्ञान था। तो वो जो पकी हुई ईंटें होती थी, वो सामान्य रूप से धूप से पकाई जाती थी। किससे पकाते थे? वो धूप से पकाते थे। तो एक बार हम इसको रिवाइज कर दें। देखिए, कालीबंगा सभ्यता कहाँ प्राप्त हुई है? हनुमानगढ़ ज़िले में। घग्गर नदी, जिसका प्राचीन नाम क्या है? सरस्वती नदी या द्रसवती नदी के नाम से भी हम इसको जानते हैं, 6000 साल से भी अधिक प्राचीन है। खुदाई के दौरान यहाँ काली चूड़ियाँ मिलने के कारण इस सभ्यता को कालीबंगा सभ्यता कहा गया, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का जो अर्थ होता है वह होता है चूड़ी। कालीबंगा सभ्यता से दो टीले प्राप्त हुए हैं, एक छोटा टीला प्राप्त हुआ है और एक बड़ा टीला प्राप्त हुआ है। छोटे टीले को गढ़ी क्षेत्र कहा गया और बड़े टीले को नगर क्षेत्र कहा गया। आप सबको पता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, तो जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो भाग है कालीबंगा का, वह है नगर क्षेत्र, और उससे पुराना जो भाग है वह है गढ़ी क्षेत्र। तो गढ़ी क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता से भी पुराना है, तो इसे प्राक हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है। सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की? अमलानंद खोज ने 1952 में। उत्खनन कार्य 1961-62 में बीबी लाल और बीके थापर ने करवाया। उत्खनन 5 स्तरों में हुआ। पहला व दूसरा स्तर हड़प्पा सभ्यता से पुराने हैं, तो इसे प्राक हड़प्पा सभ्यता कहा गया। तीसरा, चौथा व पाँचवा स्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है, तो इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और दोनों, दो टीले हैं, दोनों सुरक्षात्मक दीवार से घिरे थे। एक छोटा टीला जो पश्चिम में मिला है और एक बड़ा टीला जो पूरब में मिला है। बड़ा टीला जो था वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, छोटा टीला प्राक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। देखिए, छोटे टीले में दोहरे खेत जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, और घिया पत्थर, तांबड़ा पत्थर के मनके, शंख की चूड़ियाँ, खिलौना गाड़ी, पहिए, बैल की खंडित मूर्ति, तांबे का परशु मिलने का अर्थ यह हुआ कि इस सभ्यता के लोगों को तांबे की धातु का क्या था? ज्ञान था। हड्डियों की सलाई, पत्थर के सिलबट्टे आदि प्राप्त हुए। भवन निर्माण यानी जो मकान बनाते थे वो कच्ची ईंटों से बनाते थे, लेकिन नाली और स्नानागार व कुएं ये पक्की ईंटों से बनाते थे। तो इस तरह से हमने कालीबंगा सभ्यता की प्रारंभिक चरणों के बारे में बात की, प्राक हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति के बारे में बात की। देखो, अब दोस्तों हम बात करते हैं हड़प्पा संस्कृति के बारे में। हड़प्पा संस्कृति जो बड़ा टीला है उसके बारे में हम बात करेंगे कि वहाँ से हमें खुदाई के दौरान क्या क्या प्राप्त हुआ है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो संस्कृति है उसको नगर क्षेत्र भी कहा गया। इसका मतलब यहाँ पर नगर नियोजन की योजना थी। कैसी थी? नगर नियोजन की योजना थी, यानी नगर आज के जो वर्तमान समय में जो आप शहर देख रहे हो, इस तरह का शहर प्राचीन काल में ही बसाया गया,
और वह कौन सा था, हड़प्पा संस्कृति का शहर। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, यानी इस तरह से सड़कें एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक दूसरे पर क्या काटती थी, समकोण पर काटती थी। यानी आप अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ पर इतनी बढ़िया व्यवस्था थी कि शहरों का एक प्लानिंग के द्वारा उन शहरों को क्या किया गया था, बसाया गया था। भवनों का मुख्य द्वार प्रमुख सड़कों पर नहीं खुलता था, यह गली की तरफ खुलते थे। कहाँ खुलते थे, गली की तरफ। पके ईंटों से बनी नालियाँ जल निकास हेतु बनाई जाती थीं जो मुख्य मार्ग पर होती थीं, और छत समतल की समतल व लकड़ी की सहतीरों से बनाई जाती थी। जो भवन बनाते थे वो लकड़ियों को एक के साथ एक डालकर उसके ऊपर मिट्टी डालकर और उसके बाद उसको मतलब लीप कर बनाया जाता था। कालीबंगा सभ्यता में मकानों से पानी निकालने के लिए लकड़ी की नालियाँ थीं, लकड़ी की नालियाँ। तो लकड़ी की नालियाँ जो हैं वो कालीबंगा सभ्यता में भी हैं। तो अगर हम बात करें कि ये कैसी थी, नगर नियोजन है, नगर जो वर्तमान शहर हैं, इस तरह की ये सभ्यता थी। और सड़कें एक दूसरे को कैसे काटती थीं, समकोण पर काटती थीं। भवनों का मुख्य द्वार सड़कों पर नहीं खुलता था, यह गली की तरफ खुलता था। और पक्के ईंटों से जो नालियाँ हैं वो जल निकास के लिए बनाई जाती थीं, और मकान से पानी निकालने के लिए लकड़ी की नालियों का इस्तेमाल किया जाता था। आगे हम बात करें उस सभ्यता में सामाजिक जीवन कैसा था। देखिए, सामाजिक जीवन के बारे में बात करें तो उस समय पुरोहित या धर्मगुरु का समाज में सर्वोच्च स्थान था। यानी कि कह सकते हो कि उस समय के जो ब्राह्मण थे उनका समाज में सबसे बड़ा स्थान था, बड़ा दर्जा था। और वो उनका निवास जो है, उस सभ्यता के निवास दो क्षेत्रों में होता था, एक दुर्ग क्षेत्र और दूसरा नगर क्षेत्र। देखिए, नगर क्षेत्र नीचे था और दुर्ग क्षेत्र ऊंचाई पर था। दुर्ग क्षेत्र में शासक वर्ग, पुरोहित जो ब्राह्मण थे और संपन्न वर्ग के लोग रहते थे, और नगर क्षेत्र में जनसाधारण के लोग उस समय रहा करते थे। इस तरह के वहाँ का क्या था, सामाजिक जीवन था। यानी ब्राह्मणों का उस समय जो ब्राह्मण हैं, धर्मगुरु हैं, पुरोहित हैं, उनका कैसा था, एक उच्च स्थान था। अगर हम बात करें कि यहाँ के लोग कैसे थे, तो यहाँ के लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। और कालीबंगा सभ्यता में मछली का कांटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पासा गोटियों द्वारा खेला जाने वाला एक खेल के प्रमाण मिलते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मछली के कांटे, पासा एक गोटियों द्वारा खेला जाने वाला खेल था। तो मनोरंजन के साधन जो थे वो क्या थे, पासा था, खेल खेलने का साधन था। आगे हम बात करें धार्मिक जीवन उस समय कैसा रहा होगा। तो दुर्ग में कच्ची ईंटों के चबूतरे पर 7 आयताकार अग्नि वेदिकाएं यानी अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान में मिले हैं, और कहां कहां पर मिले हैं अग्निकुंड, बनावली राखीगढ़ी हरियाणा में मिले हैं और लोथल गुजरात में मिले हैं। तो आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के वे कौन कौन से नगर हैं जहां पर अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, तो एक तो कालीबंगा, कितने अग्निकुंड मिले हैं, 7। इस संख्या को आप जरूर याद रखें, 7 अग्निकुंडों के क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। और बनावली राखीगढ़ी हरियाणा में मिले हैं और लोथल गुजरात में अग्निकुंडों के प्रमाण मिले हैं। समाज में बलि प्रथा का प्रचलन था, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि उस समय भी बलि प्रथा पाई जाती थी। मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार मिला है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। शवाधान के प्रमाण मिले हैं, सबके साथ खाद्य सामग्री, आभूषण, मणके, दर्पण आदि दफनाते थे। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग मानते थे कि आदमी मरने के बाद भी क्या होता है, जिंदा रहता है। इसीलिए वह उसके साथ खाने पीने की चीज़ें, उसके साथ आभूषण, कपड़े, मनके, दर्पण आदि सब उसके साथ दफनाते थे। उनकी मान्यता थी कि भाई व्यक्ति जो है मृत्यु के बाद भी क्या रहता है, जिंदा रहता है। जले हुए कोयले अन्न के दाने होने का क्या मिला है, प्रमाण मिला है। जले हुए कोयले और अन्न के दाने का क्या मिला है, प्रमाण मिला है। देखिए, यहाँ पर एक आपको कुछ ताम्रवती नगरी के नाम से कुछ ऐसा मिल रहा होगा, तो ये फ़ोटो खींचते समय थोड़ी गलती हो गई है, तो इसको आप ना पढ़ें। ये गणेश्वर सभ्यता के बारे में है, तो इसको आपको ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि अभी हम कौन से पढ़ रहे हैं, कालीबंगा सभ्यता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो इस तरह से अब हम बात करें, आगे बात करें कि कालीबंगा सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा होगा। तो लोगों का जीवन सामान्य रूप से समृद्ध था। आर्थिक जीवन कैसा था, समृद्ध था। वह पशुपालन करते थे। पशु कौन कौन से पालते थे, भेड़ बकरी,
गाय, भैंस, बैल, भैंसा, सुअर आदि पालते थे, ऊँट भी पालते थे। ये भी पूछा जाता है आपसे कि कालीबंगा के लोग क्या ऊँट पालते थे या नहीं पालते थे, तो ऊँट पालते थे और कुत्ता इनका पालतू पशु था। जौ व गेहूँ की खेती करते थे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो परीक्षा में पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता के लोग कौन सी खेती करते थे, तो कालीबंगा सभ्यता के लोग जौ व गेहूँ की खेती करते थे। अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट बातों के बारे में बात करें तो कालीबंगा सभ्यता से जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा था, यह तो प्रमाण वहीं से प्राक हड़प्पा सभ्यता से ही मिल गए थे। लोग एक ही खेत में दो फसल उगाते थे, कितनी फसल उगाते थे, दो फसल उगाते थे। एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं जिससे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है, मेनिनजाइटिस जिसको बोलते हैं हम, उस बीमारी का, मस्तिष्क सिर दर्द जो था उसकी बीमारी का इलाज के रूप में खोपड़ी में क्या किए जाते होंगे उस समय, छिद्र किए जाते होंगे, शल्य चिकित्सा पद्धति द्वारा उसका इलाज किया जाता होगा। तो इसके प्रमाण हमें कहाँ मिले हैं, कालीबंगा में। कालीबंगा सभ्यता में बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली और बेलनाकार मोहर के भी क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। यानी आप हम ये जान सकते हैं कि उस समय व्यापार के लिए मोहर का क्या किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था, उस मोहर से क्या लगाया जाता था, ठप्पा लगाया जाता था, तो जिसके द्वारा व्यक्ति जो थे वो आपस में क्या कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे। तो गेहूँ और जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं। वह लोग पशुपालन करते थे, यह शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। हवन कुंड, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मोहर के भी क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। तो इस तरह से साथियों हमने कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ा। अगली जो सभ्यता है वह है आहार सभ्यता। कौन सी है, आहार सभ्यता। देखिए कालीबंगा सभ्यता की खोज की घोषणा हुई तो उसके खोजकर्ता हो गए अम्लानंद घोष, अम्लानंद घोष, ठीक। और आहार सभ्यता, आहार सभ्यता, देखिए आ से बनता है आहार और अ से बनता है अग्रवाल, अ से क्या बनता है, अग्रवाल बनता है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे अग्रवाल मतलब आर सी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल ने इस सभ्यता की खोज की थी। देखिए इस सभ्यता को आहार संस्कृति, बनास संस्कृति और ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो परीक्षा में पूछा जाता है कि देखो दो प्रश्न हैं जो कन्फ्यूजेटिक हैं, ताम्रवती नगरी यदि प्रश्न आए तो उसका आंसर होता है आहार सभ्यता, और यदि पूछा जाए कि भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है तो उसका आंसर होता है गणेश्वर सभ्यता। इसको आप ध्यान रखेंगे जिससे कि आप उस क्वेश्चन को गलत ना करें। यह दक्षिण पूर्व राजस्थान में उदयपुर के पास बहने वाली आयड़ नदी, आहार नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ और यह सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी है। इस संस्कृति की दो विशेषताएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसकी कितनी विशेषताएं, दो। ये लोग ताम्र धातु कर्मी थे, यानी कि तांबे की धातु के उपयोग को या क्या करते थे, जानते थे, और उसके आधार पर इन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार उपकरणों का क्या किया, निर्माण किया। दूसरा, ये काले व लाल रंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो परीक्षा में पूछा जाता है, काले व लाल रंग के मृद पात्रों का उपयोग करते थे, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि काले व लाल रंग के मिट्टी के बर्तनों का उपयोग कौन करते थे, तो आहार सभ्यता के लोग काले व लाल रंग की मिट्टी का उपयोग करते थे। सबसे पहले 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास, इसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य करवाया गया। तो आ से आहार बन जाता है, आ से ही अग्रवाल बनता है और आ से ही अक्षय कीर्ति व्यास बनता है। आ से क्या बनता है, अक्षय कीर्ति व्यास बन जाता है। तो इस तरह से इसको आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। तो आ से क्या बन जाता है, अक्षय कीर्ति व्यास बनता है। तो सबसे पहले खुदाई का काम किसने करवाया था, अक्षय कीर्ति व्यास ने, उसके बाद RC अग्रवाल ने और उसके बाद HD सांकलिया ने खुदाई का कार्य करवाया। चलिए आगे हम बात करें कि इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों का क्या करते थे, उपयोग करते थे। जरा हम कंपैरिजन करें, कालीबंगा के सभ्यता के लोग जो मकान बनाते थे वो कैसी ईंटों से बनाते थे, कच्ची ईंटों से बनाते थे, और आहार सभ्यता के लोग मकान बनाने के लिए कैसी ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं, धूप में सुखाई गई ईंटों का उपयोग कर रहे हैं। तांबे के औजारों एवं उपकरणों का उपयोग करते थे, यही कारण है कि इस सभ्यता को क्या कहा जाता है, ताम्रवती नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ताम्रवती नगरी, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है कि ये लोग ताम्र धातुकर्मी थे, कैसे थे,
ताम्र धातु कर्मी, यानी इन्होंने तांबे की धातुओं से अलग अलग उपकरण बनाए, अलग अलग औजार बनाए और उनका उपयोग अपने दैनिक जीवन में किया और तांबे का उपयोग करने के कारण इस सभ्यता को क्या कहा गया, ताम्रवती नगरी। इस सभ्यता का क्या दिया गया, नाम दिया गया। चलिए आगे हम बात करते हैं आहार सभ्यता के बारे में कि कालीबंगा सभ्यता की तरह ही यहाँ के जो लोग थे वो मृतकों के साथ गहने आभूषण भी दफनाते थे। इससे पता चलता है कि लोगों का विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी क्या है, जीवन है। कालीबंगा सभ्यता में भी ऐसा होता था और आहार सभ्यता में भी ऐसा होता है। यहाँ से प्राप्त ठप्पों से रंगाई व छपाई के उद्योग के बारे में क्या हमें पता चलता है। देखिए यहाँ पर रंगाई छपाई का उद्योग भी रहा होगा, यह हमें ठप्पों से पता चलता है। यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, नोट करिए इस बात को, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कालीबंगा सभ्यता नगरीय सभ्यता का प्रमाण है, जबकि आहार सभ्यता ग्रामीण सभ्यता का क्या है, प्रमाण है। एक रसोई में एक साथ 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं, कितने चूल्हे, 6, तथा इनमें से एक पर मानव हथेली की छाप भी क्या हुई है, प्राप्त हुई है। यह लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे, कैसे थे, शाकाहारी व मांसाहारी। यह गेहूं ज्वार चावल की खेती करते थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ के लोग आहार सभ्यता के लोग 3 फसलों को उगाते थे, गेहूं ज्वार और चावल। इनके पूजा का मुख्य अनुष्ठान दीपक जलाना होता था और यह मातृ देवी की पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे, मातृ देवी की। इससे अनुमान ये लगाया जा सकता है कि उस समय का जो समाज है वह मातृ सत्तात्मक रहा होगा। आहार सभ्यता से हमें तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, ये लोग हाथी व घोड़े से भी परिचित थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है आपसे कि आहार सभ्यता के लोग कौन कौन से जानवरों से परिचित थे, तो वो कौन कौन से जानवर, हाथी व घोड़े से भी क्या ये लोग परिचित थे। आगे हम आहार सभ्यता के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में यदि हम बात करें तो आहार सभ्यता में 11वीं व 12वीं शताब्दी में आघाटपुर नामक नाम या धूलकोट नाम से जाना जाता था। आहार सभ्यता को 11वीं व 12वीं राजपूत काल के समय 11वीं व 12वीं सॉरी 10वीं व 11वीं शताब्दी में आघाटपुर या धूलकोट के नाम से जाना जाता था। देखिए बनास नदी के किनारे एक सभ्यता और विकसित हुई जिसका नाम है गिलुंड सभ्यता। गिलुंड व बालाथल स्थल दोनों किसके हैं, आहार सभ्यता के ही हैं। देखिए बनास नदी के किनारे गिलुंड सभ्यता विकसित हुई है और बालाथल जो सभ्यता है वह बीड़च नदी के किनारे विकसित हुई है जो चित्तौड़गढ़ से गुजरती है। दक्षिण राजस्थान में ताम्रपाषाणिक सभ्यता आहार सभ्यता को माना जाता है। ताम्रपाषाणिक सभ्यता दक्षिण राजस्थान में पूछा जाए तो किसको माना जाता है, किसको माना जाता है, आहार सभ्यता को माना जाता है। नवीनतम उत्खनन स्थल आहार सभ्यता को जो नया खोजा गया स्थान है वह है ओजियाना भीलवाड़ा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ओजियाना भीलवाड़ा कौन सी सभ्यता से संबंधित है, आहार सभ्यता से संबंधित है। यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि ओजियाना जो सभ्यता है वह कहाँ की है, भीलवाड़ा की है। एक इम्पोर्टेंट है लैपिस लाजुली, जिसे लाजवर्द भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, लाजवर्द भी कहते हैं। यह आहार सभ्यता से प्राप्त हुआ है, हमें आहार से प्राप्त हुआ है और यह अफगानिस्तान का एक मूल्यवान पत्थर है। कैसा है, मूल्यवान पत्थर है अफगानिस्तान का। तो इस पत्थर के मिलने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आहार सभ्यता के लोग, आहार सभ्यता के लोगों का व्यापार अफगानिस्तान तक होता था। कहाँ तक होता था, अफगानिस्तान तक होता था। आहार सभ्यता के लोग अनाज को रखने के लिए गोरे व कोट का उपयोग करते थे, किसका उपयोग करते थे, गोरे व कोट, यानी कि जो अनाज रखने के पात्र थे उनका नाम था गोरे व कोट। आहार सभ्यता से 2 मुहा चूल्हा, सिलबट्टा और पैन प्राप्त हुआ है। क्या क्या प्राप्त हुआ है, 2 मुहा चूल्हा, सिलबट्टा और पैन प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आहार सभ्यता के बारे में पढ़ा। इसको एक, इस पूरी वीडियो को यदि आप एक दो बार रिवाइज कर देंगे तो आपको ये पूरी सभ्यताएँ याद हो जाएंगी और निश्चित रूप से आने वाली जो परीक्षा है उसमें प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। तो निश्चिंत होकर इसको पढ़िए और पढ़कर अपने ज्ञान में क्या कीजिए, वृद्धि कीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे। तो अगला जो है वह है बैराट सभ्यता। देखिए इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। इस बैराट सभ्यता का उत्खनन कार्य 3 लोगों ने किया, दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। इन्होंने, दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित ने प्राचीन काल में जो बैराट है, जिस इसको बैराट नगर के नाम से जाना जाता था,
यह मत्स्य जनपद या मत्स्य देश की क्या थी, राजधानी थी। वर्तमान में यह विराट नगर कस्बा जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जयपुर में। देखिए विराट नगर में पहाड़ियाँ हैं, जैसे बीजक की पहाड़ी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और यह हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल के यहाँ पर क्या प्राप्त हुए हैं, अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त होने से हमें ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के समय भी यह नगर रहा होगा, और मौर्य काल के अवशेष मिलने से हमें यह पता चलता है कि इस क्षेत्र का, इस नगर का मौर्य काल में बहुत अपने आप का बोलबाला रहा होगा। इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि व पशुपालन था। गेहूं व चावल की खेती करते थे। किसकी खेती करते थे, गेहूं व चावल की। जबकि अगर हम बात करें आर्य सभ्यता के लोग गेहूं, ज्वार व चावल की क्या करते थे, खेती करते थे। तो इन्हें गेहूं व चावल की खेती करने का क्या था, ज्ञान था। मौर्य काल में विराट क्षेत्र का विशेष महत्व रहा है। 1837 में, याद रखना 1837 में कैप्टन वर्ट ने बीजक डूंगरी पहाड़ी, कौन सी, बीजक डूंगरी पहाड़ी पर ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण अशोक का शिलालेख खोजा, और 1840 में जिसे कलकत्ता संग्रहालय में क्या कर दिया गया, अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। और 1871-72 में कार्लाइल ने भीम डूंगरी पहाड़ी पर एक और अशोक का शिलालेख यहाँ पर खोजा। तो देखिए इस क्षेत्र का महत्व ज़्यादा होने के कारण सम्राट अशोक ने यहाँ पर शिलालेख बनवाए, लिखवाए, गुदवाए दो शिलालेख। एक को कैप्टन वर्ट ने खोजा 1837 में, और दूसरे को 1871-72 में कार्लाइल ने खोजा। कार्लाइल एक पुरातत्वविद थे। विराट से एक गोल मंदिर और अशोक के स्तंभ के अवशेष भी क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, जो इस नगर का मौर्य काल से क्या संबंध बनाने के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। विराट के समीप अशोक का भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसको आप याद रखिए कि किस शिलालेख से हमें ये पता चलता है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो वह था भाब्रू शिलालेख, जो कहाँ पर, विराट नगर जयपुर में स्थित है। और अगर हम बात करें कि इस नगर को ध्वस्त किसने किया, तो हूण शासक मेहरकुल ने विराट का क्या किया, विध्वंस कर दिया। और इस सभ्यता के लोग तांबा व लोहे की धातु से क्या थे, परिचित थे। देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आ गई, लोहे की धातु से परिचित होना। यह मत्स्य जनपद की राजधानी रहा है, और इस सभ्यता से 8 पंचमार्ग चांदी की मुद्राएं, 28 इंडो ग्रीस के सिक्के प्राप्त हुए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो परीक्षा में पूछा जाता है, कितने चांदी की मुद्राएँ, 8 और 28 इंडो ग्रीक जो है सिक्के प्राप्त हुए। तो देखो 8 पंचमार्क से, 8 से 8 के आगे 2 लगा देंगे तो 28 इंडो ग्रीक सिक्के। शैल चित्र के प्रमाण भी कहाँ पर मिलते हैं, हमें विराट सभ्यता से प्राप्त होते हैं। शैल चित्र के प्रमाण के, विराट सभ्यता में शैल चित्र का भी क्या है, उपयोग किया गया है, चट्टानों पर चित्रकारी की गई है। अगली जो सभ्यता है वह है गणेश्वर सभ्यता। देखिए गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है, जो 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता है। अगर हम बात करें कालीबंगा सभ्यता 6000 वर्ष पुरानी है, उससे भी अधिक पुरानी है। और आहाड़ सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी है। ऐसे ही गणेश्वर सभ्यता 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता है, जो कांतली नदी के किनारे है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, कहाँ पर, नीम का थाना सीकर में। इसका उत्खनन खुदाई का कार्य 1977 में आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह एक ताम्र पाषाणिक सभ्यता है, यानी ऐसी सभ्यता जहाँ पर पत्थर के द्वारा भी जनजीवन का परिवर्तन हुआ और तांबे के द्वारा भी जनजीवन का परिवर्तन हुआ। इस सभ्यता को भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं की क्या कहा जाता है, जननी कहा जाता है। यहाँ पर मैं नोट करने वाली बात आपको फिर बता देता हूँ, अगर पेपर में पूछा जाए भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, तो वह उसका उत्तर होगा गणेश्वर सभ्यता। और यदि पेपर में ये पूछा जाए कि ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है, तो उदयपुर की आहाड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहा जाता है। यहाँ से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। उपकरणों व पात्रों में 99% तांबा है, जो कि उस क्षेत्र में तांबे की प्रचुरता का प्रमाण है। यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता था। कहाँ से, गणेश्वर से। इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की क्या कहा जाता है, जननी कहा जाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से जो बर्तन मिले हैं वह काले व नीले रंग के हैं।
कैसे हैं, काले व नीले रंग के, और इन बर्तनों का एक विशेष नाम है मिट्टी के बर्तनों का, कृपस्वर्णी या कपिसवर्णी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कृपस्वर्णी या कपिसवर्णी इनको कहा जाता था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गणेश्वर सभ्यता में प्राप्त मिट्टी के बर्तनों को किस नाम से जाना जाता है, तो कृपस्वर्णी या कपिसवर्णी मृत पात्र के नाम से इनको जाना जाता है। आगे हम बात करें, मकान बनाने हेतु ये क्या करते थे, पत्थर का उपयोग करते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ईंटों के उपयोग का कोई भी प्रमाण नहीं है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। पत्थर का उपयोग करते थे, नगर को बाढ़ से बचाने के लिए भी पत्थर के बांध बनाने का क्या किया, इन्होंने निर्माण किया, बांध का निर्माण किया। तो बांध बनाने के प्रमाण कौन सी सभ्यता से मिलते हैं, गणेश्वर सभ्यता से मिलते हैं। यहाँ से तीर, भाले, सुइयाँ, मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा कालीबंगा सभ्यता से भी मिला है, और तांबे के बाण हमें प्राप्त हुए हैं। इसे पुरातत्व का क्या कहा जाता है, पुष्कर भी कहा जाता है, इसका अन्य नाम है पुरातत्व का पुष्कर, इसको भी आप क्या करें, याद रखें। इसे ताम्र संचयी संस्कृति भी कहा जाता है, और मिट्टी के छल्लेदार बर्तन केवल गणेश्वर सभ्यता से ही मिले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है कि अगर आपसे कोई पूछा जाए कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जहाँ से मिट्टी के छल्लेदार बर्तन प्राप्त हुए हैं, तो वह है आपकी गणेश्वर सभ्यता। तो इस तरह से दोस्तों हमने गणेश्वर सभ्यता के बारे में पढ़ा। अब देखिए, हमने जो सिलेबस में दी गई चार सभ्यताएं हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। पहली सभ्यता कालीबंगा सभ्यता, दूसरी सभ्यता आपकी हमने पढ़ी आहाड़ सभ्यता, तीसरी हमने पढ़ी बैराट सभ्यता, और चौथी हमने पढ़ी है गणेश्वर सभ्यता। आपका पेपर में प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, आप निश्चिंत होकर इस क्लास को आप देखिए और पढ़िए। आगे हम बात करें कुछ इम्पोर्टेंट, बागोर सभ्यता कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है, जो कोठारी नदी के किनारे पर है। कहाँ पर है, कोठारी नदी, और यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं कि सबसे पहले जो पशुपालन है वो कहाँ पर किया गया होगा, बागोर सभ्यता में किया गया होगा। बागोर व तिलवाड़ा जो सभ्यता है वो मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं। कैसे हैं, मध्य पाषाणकालीन स्थल। और गिलुंड सभ्यता राजसमंद की है, जो कहाँ पर स्थित है, बनास नदी के किनारे स्थित है। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बागोर सभ्यता कहाँ पर है, भीलवाड़ा में, किस नदी के किनारे है, कोठारी नदी के किनारे। बागोर व तिलवाड़ा स्थल जो है वो कौन से युग के हैं, मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं। गुलुंड सभ्यता राजसमंद की है, जो बनास नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस पूरे चैप्टर को एक अच्छे समय में, एक बहुत कम समय में इस टॉपिक को हमने पूरा पढ़ लिया। निश्चित रूप से ये आपके लिए क्लास लाभदायक रहेगी, और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताना, अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी आप अपना सुझाव देना चाहें वो दीजिए। और इसी तरह से आपको आपके जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए वीडियो आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो जो भी छात्र फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जो भी उपयोगी सामग्री है वह धीरे धीरे आपको उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन आपको जो भी सामग्री आपको मिलेगी वो बहुत अच्छी मिलेगी, और निश्चित रूप से आपके सिलेक्शन में लाभकारी होगी। धन्यवाद, नमस्कार।